पेशे खिदमत इफ्तिखार काजमी का नया कॉलम, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। पहले नए इंतखाबात की गूंज, फिर -1 और इन हाउस तब्दीली का शोर। अब बात सिस्टम के लपेटे जाने तक आन पहुंची है। वो सियासी जमातें जो कल तक ये कह रही थी कि वो नहीं चाहते कि सिस्टम की बसात लपेट दी जाए, ऐसी सूरत हाल पैदा ना की जाए कि तीसरी कुव्वत को मुदाखलत का मौका मिल जाए, आज वही जमातें मुख्तलिफ पोजीशन ले रही हैं। यूं लगता है कि हुकूमत किसी सूरत भी ऑपोजिशन को स्पेस देने को तैयार नहीं, इसीलिए अब ऑपोजिशन भी हुकूमत को कंधा देने को तैयार नहीं। खान साहब के साथ पूरा निजाम दांव पर लगाया जा रहा है। सवाल ये है कि सियासी जमातें सूरत हाल को किस जानिब ले जा रही हैं? हुकूमत और ऑपोजिशन में वर्किंग रिलेशन क्यों नहीं बन रहा? अब जो लोग ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना रायगा चला गया, वो इस बात पर भी गौर कर लें कि हुकूमत की तब्दीली की बातें इसके बाद ही शुरू हुई हैं और धरने के आफ्टर शॉक्स भी अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। जो काम मौलाना के धरने से शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं। कल खान साहब जिन लोगों को सियासत से माइनस करने की बातें करते थे, आज वही लोग खान साहब को इक्तदार से माइनस करने की बातें कर रहे हैं और इसलिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। -1 या इन हाउस तब्दीली और इंतखाबात समेत तमाम फॉर्मूले इसके बाद ही मार्केट में सुनाई दे रहे हैं, जिसने सियासी सूरत हाल में नई कैफियत पैदा कर दी है। जैसे जैसे हुकूमत पर कानून साजी के लिए दबाव बढ़ रहा है और पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए इत्तफाके राय की बातें हो रही हैं, वैसे वैसे महाजराई बढ़ती जा रही है, जो संजीदा हलकों में तश्वीश का बाइस है। पार्लियामेंट को आर्मी चीफ के मामले में आर्मी एक्ट में तरमीम करना है, नैब के कानून और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी जैसे अहम मामलात दरपेश हैं, लेकिन ऑपोजिशन की तीन बड़ी सियासी जमातें तीन मुख्तलिफ पोजीशन लेती नजर आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान नए इंतखाबात और -1 की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पहले इन हाउस तब्दीली का मुतालबा कर रही थी, अब वो भी नए इंतखाबात के मुतालबे पर जोर दे रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अलग पोजीशन ले ली है। वो ना खेडांगे ना खेडन देंगे की बात कर रहे हैं। इनका मौकफ है कि हुकूमत उन पर हमला कर रही है और उनके खिलाफ नए केसेस बना रही है, इसलिए वो भी जवाब देने को तैयार हैं। लीगी क्यादत ने आर्मी चीफ के लिए कानून साजी, इलेक्शन कमीशन और असम्बली में ताउन पर हुकूमत से राबते खत्म करने का ऐलान किया है। तीनों सियासी जमातें अलग अलग मुतालबात के साथ हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं। बज़ाहिर हुकूमत को अपोजिशन के तावुन ना करने पर ज्यादा परेशानी नहीं और वो समझती है कि मामलात कंट्रोल में हैं। अपोजिशन के हवाले से खान साहब के ख्यालात में भी कोई तब्दीली नजर नहीं आती, ना ही वो पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि अपोजिशन पार्लियामेंट में तावुन करती है या नहीं। ऑपोजिशन कई ट्रैक पर चल रही है और लुबे लुबाब ये है कि हुकूमत नहीं चल सकती। अगर हुकूमत चलाना है तो फिर खान साहब नहीं चल सकते, और अगर दोनों को साथ चलाना है तो फिर निजाम नहीं चल सकता। इन हाउस तब्दीली या नए इंतखाबात उस वक्त तक मुमकिन नजर नहीं आते जब तक ताकतवर हलके खुद को गैर जानिबदार ना कर लें, या फिर खुद खान साहब को तब्दील करके उनकी जगह किसी और को आजमाने की ख्वाहिश रखते हों। वजीर आजम के खिलाफ इन हाउस तब्दीली गैर आईनी या गैर जमहूरी नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन महज इस उम्मीद पर है कि अब की बार उनसे हाथ नहीं होगा। खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने या इन हाउस तब्दीली की कोशिश नहीं करेगी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का हशर उन्हें अच्छी तरह याद होगा, जब ऑपोजिशन अक्सरियत में थी लेकिन अपना चेयरमैन नैब ना ला सकी, कई वोट इधर उधर हो गए थे। मौलाना फजलुर रहमान तो धरने के बाद से पूरी यकीन है कि इस बार किसी की मुदाखलत नहीं होगी। उन्होंने एम्पायर को न्यूट्रल कर दिया है। ऑपोजिशन को इस काम के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों को भी तोड़ना होगा और इत्तेहादी भी ये देखेंगे कि उनके मफादात कहां पर महफूज हैं, और फिर जिन्होंने इत्तेहादियों को हुकूमत के साथ प्रेम बंधन में बांध रखा है वो क्या चाहते हैं। -1 के लिए खान साहब की जमात से खान साहब का मुतबादल लाना होगा। फिलहाल तो उनकी जमात में उनके पाए का कोई लीडर नहीं है। वैसे भी लीडर ख्वाह किसी भी जमात का हो, वो अपनी जमात में अपने सामने किसी को लीडर नहीं बनने देता, उससे पहले ही पर काट देता है। खान साहब की जमात में खान साहब के अलावा कोई मुतबादिल नहीं। ये अलग बात है कि अगर सारी दीवारें ही गिर गईं तो फिर छत का कायम रहना मुश्किल हो जाता है। हकीकत तो ये है कि जमहूरियत बस इतनी ही रह गई है कि मुक्तदर हलकों के करीब कौन है, कौन सी सियासी जमात और लोग ऐसे हैं जो कम्प्रोमाइज्ड हैं। नवाज शरीफ ने खुद को जमहूरी और सिविल बालादस्ती के सुरखेल साबित करने के लिए बेइंतहा तकलीफ भी बर्दाश्त की, लेकिन वो अपनी जमात को सियासी जदोजहद पर कायल नहीं कर सके।
जो दरमियानी रास्ते तलाश करती फिरती है, वो सिर्फ उस वक्त उसकी आवाज़ सुनाई देती है जब उनमें से किसी एक के पांव जलने लगते हैं। वैसे तो जंग, मोहब्बत, सियासत में सब कुछ जायज समझा जाता है। लोहे को लोहा काटता है और जहर का तरियाक जहर से किया जाता है। खान साहब ने भी इक्तदार में आने के लिए वही रास्ता इख्तियार किया और वही सीढ़ी इस्तेमाल की जो इस मुल्क में इक्तदार तक पहुंचने वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब उन्हें गिराने के लिए भी लोग इसी सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने इस तरीके कार को तब्दील करने की कोशिश की, उन्हें हमेशा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ी है। सियासत में किसी को माइनस करने की सोच ज्यादा पुरानी नहीं है, उसे मॉडर्न तर्ज सियासत का तोहफा समझा जा सकता है। जिस तर्ज सियासत में निजाम पर शख्सियात के गलबे को नापसंद किया जाता है, दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोगों को ये दुख है कि हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर परवान क्यों नहीं चढ़ सका, और ये वो माइंड सेट है जिनके नजदीक जमहूरियत का मतलब राय आमा या वोट नहीं, बल्कि जमहूरियत का मतलब ये है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अहम सवाल ये है कि जिस तरह मौलाना के धरने को अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल थी, क्या मुस्लिम लीग नून ने अपने फैसलों के हवाले से अपोजिशन की दीगर जमातों को साथ मिलाया है? बज़ाहिर तो ये लगता है कि अपोजिशन की तीनों जमातें फिलहाल अलग अलग तरीके से हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं और हालात को इस नहज पर जाने पर आमादा हैं जो जमहूरियत के लिए खतरे की अलामत हैं। माइनस वन नए इंतखाबात और जमहूरियत की बसात लपेटने की बातें ना जमहूरियत के लिए अच्छी हैं और ना जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हैं। साहिब इक्तदार और हिजब इख्तलाफ दोनों ने जो पोजीशन ले रखी है, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में मजीद कई चैलेंजेस पैदा होने वाले हैं। पेशे खिदमत इफ्तिखार काजमी का नया कॉलम, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। पहले नए इंतखाबात की गूंज, फिर माइनस वन और इन हाउस तब्दीली का शोर, अब बात सिस्टम के लपेटे जाने तक आन पहुंची है। वो सियासी जमातें जो कल तक ये कह रही थी कि वो नहीं चाहते कि सिस्टम की बसात लपेट दी जाए, ऐसी सूरत हाल पैदा ना की जाए कि तीसरी कुव्वत को मुदाखलत का मौका मिल जाए, आज वही जमातें मुख्तलिफ पोजिशन ले रही हैं। यूं लगता है कि हुकूमत किसी सूरत भी ऑपोजिशन को स्पेस देने को तैयार नहीं, इसीलिए अब ऑपोजिशन भी हुकूमत को कंधा देने को तैयार नहीं। खान साहब के साथ पूरा निजाम दाव पर लगाया जा रहा है। सवाल ये है कि सियासी जमातें सूरत हाल को किस जानिब ले जा रही हैं? हुकूमत और ऑपोजिशन में वर्किंग रिलेशन क्यों नहीं बन रहा? अब जो लोग ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना रायगा चला गया, वो इस बात पर भी गौर कर लें कि हुकूमत की तब्दीली की बातें इसके बाद ही शुरू हुई हैं और धरने के आफ्टर शॉक्स भी अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। जो काम मौलाना के धरने से शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं। कल खान साहब जिन लोगों को सियासत से माइनस करने की बातें करते थे, आज वही लोग खान साहब को इक्तदार से माइनस करने की बातें कर रहे हैं और इसलिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। माइनस वन या इन हाउस तब्दीली और इंतखाबात समेत तमाम फॉर्मूले इसके बाद ही मार्केट में सुनाई दे रहे हैं, जिसने सियासी सूरत हाल में नई कैफियत पैदा कर दी है। जैसे जैसे हुकूमत पर कानून साजी के लिए दबाव बढ़ रहा है और पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए इत्तफाके राय की बातें हो रही हैं, वैसे वैसे महाजराई बढ़ती जा रही है, जो संजीदा हल्कों में तशवीश का बाइस है। पार्लियामेंट को आर्मी चीफ के मामले में आर्मी एक्ट में तरमीम करना है, नैब के कानून और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी जैसे अहम मामलात दरपेश हैं, लेकिन ऑपोजिशन की तीन बड़ी सियासी जमातें तीन मुख्तलिफ पोजीशन लेती नजर आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान नए इंतखाबात और माइनस वन की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पहले इन हाउस तब्दीली का मुतालबा कर रही थी, अब वो भी नए इंतखाबात के मुतालबे पर जोर दे रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अलग पोजीशन ले ली है। वो ना खेडांगे ना खेडन देंगे की बात कर रहे हैं। इनका मौकफ है कि हुकूमत उन पर हमला कर रही है और उनके खिलाफ नए केसेस बना रही है, इसलिए वो भी जवाब देने को तैयार हैं। लीगी क्यादत ने आर्मी चीफ के लिए कानून साजी, इलेक्शन कमीशन और असम्बली में ताउन पर हुकूमत से राबते खत्म करने का ऐलान किया है। तीनों सियासी जमातें अलग अलग मुतालबात के साथ हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं।
बज़ाहिर हुकूमत को अपोजिशन के तआवुन ना करने पर ज्यादा परेशानी नहीं और वो समझती है कि मामलात कंट्रोल में हैं। अपोजिशन के हवाले से खान साहब के ख्यालात में भी कोई तब्दीली नजर नहीं आती, ना ही वो पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि अपोजिशन पार्लियामेंट में तआवुन करती है या नहीं। अपोजिशन कई ट्रैक पर चल रही है और लुबे लुबाब ये है कि हुकूमत नहीं चल सकती। अगर हुकूमत चलाना है तो फिर खान साहब नहीं चल सकते, और अगर दोनों को साथ चलाना है तो फिर निजाम नहीं चल सकता। इन हाउस तब्दीली या नए इंतखाबात उस वक्त तक मुमकिन नजर नहीं आते जब तक ताकतवर हलके खुद को गैर जानबदार ना कर लें, या फिर खुद खान साहब को तब्दील करके उनकी जगह किसी और को आजमाने की ख्वाहिश रखते हों। वजीर आजम के खिलाफ इन हाउस तब्दीली गैर आइनी या गैर जमहूरी नहीं है, लेकिन अपोजिशन महज इस उम्मीद पर है कि अब की बार उनसे हाथ नहीं होगा। खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने या इन हाउस तब्दीली की कोशिश नहीं करेगी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का हशर उन्हें अच्छी तरह याद होगा, जब अपोजिशन अक्सरियत में थी लेकिन अपना चेयरमैन नैब ना ला सकी, कई वोट इधर उधर हो गए थे। मौलाना फजलुर रहमान तो धरने के बाद से पूरी यकीन है कि इस बार किसी की मुदाखलत नहीं होगी। उन्होंने एम्पायर को न्यूट्रल कर दिया है। अपोजिशन को इस काम के लिए हकूमत के इत्तेहादियों को भी तोड़ना होगा, और इत्तेहादी भी ये देखेंगे कि उनके मफादात कहां पर महफूज हैं, और फिर जिन्होंने इत्तेहादियों को हकूमत के साथ प्रेम बंधन में बांध रखा है वो क्या चाहते हैं। -1 के लिए खान साहब की जमात से खान साहब का मुतबादल लाना होगा। फिलहाल तो उनकी जमात में उनके पाए का कोई लीडर नहीं है। वैसे भी लीडर ख्वाह किसी भी जमात का हो, वो अपनी जमात में अपने सामने किसी को लीडर नहीं बनने देता, उससे पहले ही पर काट देता है। खान साहब की जमात में खान साहब के अलावा कोई मुतबादिल नहीं। ये अलग बात है कि अगर सारी दीवारें ही गिर गईं तो फिर छत का कायम रहना मुश्किल हो जाता है। हकीकत तो ये है कि जमहूरियत बस इतनी ही रह गई है कि मुक्तदर हलकों के करीब कौन है, कौन सी सियासी जमात और लोग ऐसे हैं जो कम्प्रोमाइज्ड हैं। नवाज शरीफ ने खुद को जमहूरी और सिविल बालादस्ती के सुरखेल साबित करने के लिए बेइंतहा तकलीफ भी बर्दाश्त की, लेकिन वो अपनी जमात को सियासी जदोजहद पर कायल नहीं कर सके। जो दरमियानी रास्ते तलाश करती फिरती है वो सिर्फ उस वक्त उसकी आवाज़ सुनाई देती है जब उनमें से किसी एक के पांव जलने लगते हैं। वैसे तो जंग मोहब्बत सियासत में सब कुछ जायज समझा जाता है। लोहे को लोहा काटता है और जहर का तरियाक जहर से किया जाता है। खान साहब ने भी इक्तदार में आने के लिए वही रास्ता इख्तियार किया और वही सीढ़ी इस्तेमाल की जो इस मुल्क में इक्तदार तक पहुंचने वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब उन्हें गिराने के लिए भी लोग इसी सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने इस तरीके कार को तब्दील करने की कोशिश की उन्हें हमेशा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ी है। सियासत में किसी को माइनस करने की सोच ज्यादा पुरानी नहीं है, उसे मॉडर्न तर्ज सियासत का तोहफा समझा जा सकता है। जिस तर्ज सियासत में निजाम पर शख्सियात के गलबे को नापसंद किया जाता है, दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोगों को ये दुख है कि हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर परवान क्यों नहीं चढ़ सका, और ये वो माइंड सेट है जिनके नजदीक जमहूरियत का मतलब राय आमा या वोट नहीं, बल्कि जमहूरियत का मतलब ये है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अहम सवाल ये है कि जिस तरह मौलाना के धरने को अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल थी, क्या मुस्लिम लीग नून ने अपने फैसलों के हवाले से अपोजिशन की दीगर जमातों को साथ मिलाया है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि अपोजिशन की तीनों जमातें फिलहाल अलग अलग तरीके से हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं और हालात को इस नहज पर जाने पर आमादा है जो जमहूरियत के लिए खतरे की अलामत है। -1 नए इंतखाबात और जमहूरियत की बसात लपेटने की बातें ना जमहूरियत के लिए अच्छी हैं और ना जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हैं। साहिब इक्तदार और हिजब इख्तलाफ दोनों ने जो पोजीशन ले रखी है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में मजीद कई चैलेंजेस पैदा होने वाले हैं।